तो नहीं, पर यार लेसर कह रहा है कि डगन को भी बुला ले पार्टी में। अरे कैसी बातें कर रहे हो, बता बता। दोनों अमांडा ने लात मार दी, बेड से मैं नीचे गिर गया यार, और फिर मेरा ये हालात हो गई। ने गिफ्ट में मुझे ये पोर्स दिए मेरे भाई। सच्ची? हाँ, मैं नहीं मानता। मानता क्यों नहीं, आपको आना है हमारे घर पे। 9 तारीख को है दिवाली पार्टी, सह परिवार, ठीक है? परिवार, अपनी आंटी, मम्मी, लुगाई अगर है तो, बच्चे अगर है तो लेके आ जाना, ओके? आपको तो कुछ है ही नहीं, आप अकेले आ जाना, ठीक है ड्राइवर अंकल जी? मजाक करता हूँ मेरे साथ गंदा। तुम्हारे कलुए अंकल कलमोही के साथ बैठे हैं भाई। प्रैंकिंग अंकल जी, कलमोही के साथ टीवी देख रहे हो और ये मैंने फोटो खींच ली। किसी को बताइयो मत ये बात, तेरे मेरे और ये जिग्गू के बीच। यार जिमी, यार तुम देखो टीवी, यार मेरा बिल्कुल मन नहीं है यार। अमांडा भी ना इधर उधर की बातें करती रहती है, दिमाग खराब हो गया। ठीक है, हाँ जी पिताश्री। देखो भाई, हाँ जी पिताश्री, देखो किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, मैं दुख में हूँ दोस्तों। हे गाइस, स्वागत है आपका मेरी एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग, होप करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मजे करोगे। तो मैं माइकल आ चुका हूँ आप सबके लिए एक ब्रांड न्यू वीडियो लेके। फिलहाल आप सोच रहे होंगे अब क्या कह दिया अमांडा ने, अभी पिंकी पो वाला उसका ड्रामा खत्म हुआ था। जैसे कि आपको पता है उसने ज्वाइन कर लिया पिंकी गैंग, जो इनकी ये लेडीज गैंग है जिसमें इसको अपनी गाड़ी पिंक करवानी थी। फिर मैंने भी जिमी को समझा दिया, चलो उस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं, हमने गाड़ी इसी के लिए ली थी, तो इसकी मर्जी जो ही अपनी गाड़ी के साथ कराना चाहे, वो चीज साइड में रख दी है हमने। ठीक है, पर अब एक और कलेश कह रही मेरे को इसके टायर भी चेंज कराने, ये है वो है, पता नहीं गाइस क्या सीन है, क्योंकि वो चाहते कि इसके टायर के जो एलोए के कलर है ना वो भी पिंक हो। अब इतना तो पॉसिबल नहीं है ना, पर छोड़ो यार इस बात को छोड़ते हैं। आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि 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 मैं आपको देने वाला हूँ एक बहुत तगड़ी खबर, और खबर ये है कि हम प्लानिंग कर रहे हैं गाइज एक पार्टी की। बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, जैसे कि आपको पता होगा जब हम ट्रिप में गए थे उससे पहले भी हम सोच रहे थे पार्टी करेंगे, पार्टी करेंगे, पार्टी करेंगे, लेकिन अब टाइम भी आ चुका है और टाइम अब ठीक भी चल रहा है, क्योंकि आपको पता है कुछ ही दिनों में दिवाली आने वाली है और हम सोच रहे हैं एक दिवाली पार्टी करने की। बिल्कुल, अब इस चीज़ के लिए मैं एक बार मैं जिमी से भी पूछ लूँ, अमांडा तो रेडी है, मैंने उससे रात को ही बात कर ली थी इस चीज़ के बारे में। तो दिवाली पार्टी हम कर रहे हैं, क्योंकि देखो हमें एक गेट टुगेदर पार्टी वैसे ही करनी थी, क्योंकि मैं प्रिजन से आया हूँ, अपने काफ़ी मित्रों से मिला तक नहीं हूँ ढंग से, और फिर अमांडा ने मुझे ये आइडिया दिया कि दिवाली पार्टी कैसी रहेगी। इसमें हम देखो एक हमारी तरफ से दिवाली पार्टी भी हो जाएगी, सारे जितने भी दोस्त यार है वो भी मिल लेंगे, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल टू गुड आइडिया हो जाएगा। और जब मैंने लेस्टर से इस बारे में बात करी तो लेस्टर ने कहा कि मैं एक बार डगन बोस को भी इनवाइट कर लूं। अब आप बताओ मैं डगन को कैसे इनवाइट कर लूं भाई, क्योंकि उसके साथ मेरी बिल्कुल भी नहीं बनती, आपको पता ही है कितने पंगे हो रखे हमारे ऑलरेडी। आप बताओ गाइस मुझे इस पार्टी में डगन को इनवाइट करना चाहिए या नहीं, क्योंकि लेस्टर का कहना यह है वो जरूर आएगा, पर लेस्टर इतना खुल के कैसे बोल सकता है वो आएगा या नहीं आएगा। पर चलो कोई नहीं गाइस, देखते हैं, मैं एक बार जिमी से भी बात कर लेता हूँ, और फिलहाल मैं थोड़े से काम से गया हूँ तो आप देख सकते हो। ओ बेटे क्या प्यारा लग रहा है ना मस्त। ओ ये अमांडा फिलहाल घर पे नहीं है, वो अपनी गाड़ी लेके गई है अपनी पिंकी जो इनका क्लब है उनके पास। जिमी घर पे है, उससे बात करता हूँ, डिस्कशन करता हूँ, और मेरे साथ ना एक बहुत ही बुरी चीज़ हुई है, मैं आपको वो भी दिखाना चाहता हूँ गाइस। लेकिन उससे पहले ना मैं एक बार ड्रिंक वगैरह पी लूँ। अरे जूस पगलो, जूस करेले का जूस जो अमांडा बनाती है, तुम भी पता नहीं क्या सोच लेते हो। नहीं 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 मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ, और देख सकते हो जो हमारे घर पर काम वाली है बर्तन धो रही है। अब अमांडा कोई काम नहीं करती भाई, काम वाली रख रखी है, करने को तो वो भी कर सकती है ना, पर छोड़ो यार उसे क्या ही बोलना। आई चलो भाई अब जिमी से बात करता हूँ गाइस, ये दिवाली पार्टी वाला जो मैं सोच रहा हूँ ये आइडिया कैसा है कैसा नहीं, और फिर मैं कपड़े चेंज करके रिलैक्स करूँ, क्योंकि मेरे साथ आज बहुत ही गंदी चीज़ हुई है गाइस। अभी मैं चल के दिखाऊँ ना, अभी मैं आप लोगों से वो दर्द छुपा रहा हूँ, दिखाऊँ? चलो दिखाता हूँ, रुको। अरे जिमी तो यहीं टीवी देख रहा था, कहाँ गया जिमी? जिमी कहाँ है? गैरेज में हूँ, गैरेज। गैरेज में है, देख सकते हो गाइस। पहले मैं आपको अपना दर्द बताऊं, ये देखो गाइस जिमी तो गैरेज में, ये देखो भाई मेरे ना पीठ में दर्द हो रहा है गाइस, जिसकी वजह से मैं चल भी नहीं पा रहा। आप देखो कैसे चल रहा हूँ भाई मैं, क्योंकि थोड़ी सी लचक आ गई यार, क्या ही बोलूं। जिमी क्या कर रहा? फोटो खींच रहा था मैं गाड़ी की, और क्या मस्त लग रहा। ओहो हो हो, तो गाइस जिसको नहीं पता ना ये गाड़ी दुबई गैंग वालों ने दिया, आपको तो पता ही ऑलरेडी, इसकी वीडियो हमने डाल दिया, अगर आपने नहीं देखी तो देखना जरूर। जिमी यार एक चीज कह रहा था मैं। जी बोलो बोलो। जैसे कि तेरे को पता है हम ट्रिप से पहले सोचे थे एक पार्टी ऑर्गेनाइज करने की, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, अरे यार कॉमेडी मत कर रहा है, ठीक है? तो पार्टी ऑर्गेनाइज करने की हम सोच रहे थे, पर जब कोई प्लान डन नहीं हुआ तो अमांडा और मैंने प्लान करी है, दिवाली आने वाली है तो एक पार्टी कर लेते हैं, बता। दिवाली पार्टी कह सकते हो, और साथ में सब मिल भी लेंगे।
या फिर पार्टी जब होगी दिवाली वाले दिन होगी कभी, तो फिर ये बताओ पहले तो यार नहीं, मुझे आप। ये पार्टी दिवाली वाले दिन तो नहीं होगी जिमी, ये दिवाली से पहले होगी, क्योंकि दिवाली वाले दिन सब लोग गाइस अपने अपने उसमें बिजी होंगे, तो मैं चाहता हूँ कि ये दिवाली से पहले पार्टी हो जाए। तो आइडिया कैसा लग रहा है जिमी? ठीक आइडिया, आइडिया में तो कई दिक्कत है। और ये पार्टी गाइस हम अपने मेंशन में रखेंगे, मैं आप लोगों को बता दूँ। तो सुन, आइडिया तेरे को अच्छा लगा तो तेरे को मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, ड्राइवर के पास जा, मेरा नाम ले दियो और उसे ये बोलियो कि पार्टी की जितने भी ड्रिंक्स वगैरह की जो अरेंजमेंट करनी है वो उसे करनी है, आज बोल दे, क्योंकि यार वो टाइम लगा दे, क्योंकि काफ़ी कम टाइम है, 2 से 3 दिन के अंदर गाइस ये पार्टी करने वाले हैं हम, ठीक है। और फ्रैंकलिन के पास जाइए और उसे बोलियो, डीजे का सारा काम उसके ऊपर है। ठीक है करा दूंगा पिताजी सारा काम, और कुछ काम है तो अभी बता दो मुझे, फिर मत बोलना बाद में। और कुछ तो नहीं, पर यार लेसर कह रहा है कि डगन को भी बुला ले पार्टी में। अरे कैसी बातें कर रहे हो, मेरे को भी अच्छा सा तो नहीं लग रहा यार उसे बुला के, क्योंकि गाइस हमारी ना बहुत टाइम से बातचीत नहीं हो रही उससे, और वैसे भी आपको पता है कि हमारे पहले कुछ रिश्ते ठीक नहीं थे, पर लेसर कह रहा है तो मेरे ख्याल से मुझे जाना चाहिए गाइस, देखते हैं वो तो मैं जब भी जाऊंगा। ठीक है जिमी, ये काम कर देगा, आप भी चलो ना मेरे साथ। यार जिमी मैं नहीं जा सकता ना, ये देख यार मेरे से चला नहीं जा रहा, वो क्या बोलूँ, सच बता दूँ क्या क्या हुआ है? बता बता। अमांडा ने लात मार दी बेड से, मैं नीचे गिर गया यार, और फिर मेरा ये हालात हो गया, क्योंकि नींद में पता नहीं उसे क्या सपने आ रहे थे, ऐसी लात मारी, ससुरा बेड के नीचे से गिर गया जिमी। तो ये काम तुझे करना पड़ेगा, ठीक है। और गाइज मैं आप लोगों को बता दूँ, मेंशन में हम पार्टी इसलिए कर रहे हैं, करवाने को तो हम यहाँ भी करवा दें, पर मेंशन मेरे ख्याल से सही जगह है, एक तो बड़ा इलाका हो गया हमारा, सब अरेंजमेंट अच्छी तरह हो जाएंगे, और एक और दुख है हमारा जो यहाँ पे वर्कर था ना, जो यहाँ का माली था गार्डनर, वो भी यहाँ से बिहार चले गया, उसने कहा भाई दिवाली की छुट्टी दे दो मुझे, ये है वो है, तो मैंने उसकी फ्लाइट करवा दी, मैं कहा ठीक है चले जा भाई, और काफ़ी अच्छा बंदा है भाई वो, मैं आप लोगों को बता दूँ, पर ये यार वो छुट्टी बहुत मांग लेता, पर चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ गाइस, मुंह लगाता हूँ पीठ पे और चुपचाप ऊपर जाके बैठ जाता हूँ, लेट जाता हूँ, जब तक जिमी अपना ये काम कर लेगा, सबको इन्वाइट कर देगा। अरे अरे बाबा रे बाबा, ऐसी तैसी तो हो ही गई गाइस, बहुत दर्द हो रही है कमर में, कमर तेरी लेफ्ट राइट आ ले। अरे हवा बनाई ठाडी रे मेरी सुनी दियोल जी बॉडी रे, दूध दही का चस्का से, ओ बेटे क्या बॉडी लग रही है मेरी कली। मैंने गाइस आप लोगों को बता दूं, कल और आज मैंने करी है वेट ट्रेनिंग, क्या डोले सोले बनेंगे मेरे, डंबल उठाए ऐसी ए करके देख रहे हो मेरी बॉडी कैसी, और मेरी चाल भी बदल गई गाइस, जिम करके देख रहे हो, ओ बेटे मजा आ गया। ओहो ये सब बातें छोड़ते हैं गाइस, पिताश्री ने जैसे कि आपको बताया है कि अभी क्या सीन है, वो कर रहे दिवाली पार्टी, तो उन्होंने मेरे को दे दिया है काम, और मैं जाने वाला हूँ अपनी नई पोस्ट लाके भाई, फाइनली अब मैं इसको चलाऊंगा भाई, आपको पता है मुझे एक ही दिन चलाने को मिली है, लेट्स गो अपने पोस्ट में बैठते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये देखो गाइस हमारी पोस्ट के जलवे, देखो स्टार्ट करके ना आपको पता है आरपीएम ना थोड़ा सा ऊपर रहता ही है, अब देखो ऊपर था, इंजन हो गया अब अपने नॉर्मल टेम्परेचर में, अब देखो भाई साहब पावर जो है, और मैं इसे नॉर्मल मोड पे चला रहा हूँ गाइस फिलहाल, ठीक है। यार ये स्किन है इसके स्पोर्ट्स मोड पे क्यों लग जाती है मुझे ये समझ नहीं आता, इसकी छत खोल के चलाऊं आज? अरे यार नहीं छत नहीं खोल रहे यार, क्योंकि दिन के टाइम में यार बहुत ना पोल्यूशन टाइप एरिया गाइस, इसलिए मैं ये चला नहीं रहा, छत नहीं खोल रहा। बाकी मैं आप लोगों को बता दूं, मुझे जाना है 2 जगह, जिग्गू को मैं साथ लेके जा रहा हूं, अकेले नहीं जाने वाला, क्योंकि जिग्गू को मैंने अभी तक दिखाई नहीं, जिग्गू को नहीं दिखाऊं आज यार, फिर जिग्गू को अकेले ही चलता हूं गाइस, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जिग्गू को दिखाई देता यार, साथ लेके जाना है तो दिखाई दूंगा गाइस अपनी ये वाली फोर्स, ठीक है, क्योंकि उसे नहीं पता है कि मैंने ये वाली फोर्स ले ली है भाई। ओ हवा बढ़ाई ठाडी ए भाई साहब, देख रहे हो गाइस उसके रिएक्शन भी बहुत तगड़े आते हैं, देखना ये देखो, अरे देख लो कोई तो, देख रहे हो गाइस कैसे, और वो लड़की कह रही है आई लाइक योर कार, बेटा भग जा रहता है वो, ये तो भाई दुबई गैंग वाले भैया ने मेरे को गाड़ी दे दी अंकल ने, सॉरी भैया कह रहा हूँ मैं तो काफी ज्यादा खुश हो गया गाइस ये देख के भाई, बहुत मजा आ रहा है सच बताऊं तो गाइस ये गाड़ी चलाने में भी, और अब मेरे को टाइम मिला है, नहीं तो आज भी मैं BMW लेके निकलता वैसे तो, पर अब वो पिंकी पो हो चुकी है तो अब मेरा तो उसको चलाने का वैसे भी मन नहीं है गाइस, ठीक है। जिग्गू को उठाते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं, और ये देख रहे हो गाड़ी देखो भाई आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है गाड़ी, पावर इतनी है ना गाइस इसमें, इसीलिए फिलहाल तो मैं इसे धीरे चला रहा हूँ। तो भाई ये गाड़ी जब चलती है रोडों पे सारे लोगों की मुंडी टेढ़ी हो जाती है कि ये जा क्या रही है, देख रहे हो सारे लोगों की मुंडी टेढ़ी हो जाती है, वो देखो टेढ़ी मुंडी करके देख रही है भाई, यही सीन है, यहाँ से लेके जाऊंगा ना सारे लोग देखो कैसे देख रहे हैं भाई गाड़ी को, यही तो बात होती है गाड़ियों की। अरे अंकल क्या कर रहे हो, नई पोर्स में गुटखा थूक दिया यार आपने, छी भाई अंकल देख रहे हो गाइस मेरी नई पोर्स में इन्होंने गुटखा चैनी थूक दिया भाई अपना शिखर, यार गंदी कर दी मेरी पोर्स यार
कोई नहीं गाइस, मैं अंदर से कपड़ा निकालता हूँ, इसको साफ करता हूँ भाई, ऐसा अच्छी थोड़ी लगेगी। बाकी देख रहा हूँ हवा बनाई ठाडी रे, मेरी बोटी बुटी बनी दोस्तों, मैं कहीं मजा आ गया, लेट्स गो। तो फाइनली गाइस आप देख सकते हो मेरा मित्र जिग्गू आ चुका है। जिग्गू पटेल तेरी खोपड़ी में तेल मारूंगा, डंडा निकलेगा अंडा। निकाल भाई तू आज मेरा अंडा ही निकाल जिमी। अरे क्या ही निकालना तेरा अंडा, तो चल भाई ट्रेसी की गाड़ी लेके आया, उसमें चलेंगे। ये क्या खच्चर ले आया भाई, ये चलते चलते तो बंद हो जाती है जिमी यार, तू क्या है? अरे बंद नहीं होएगी। तेरे को मारा किसने जिमी, ये कैसे चल रहा है तू भाई, लगा जैसे थप्पड़ थप्पड़ दिए तेरे। किसी ने मारे नहीं बेटा, जिम करता हूँ आजकल मैं, जिम बीच मारता है जोर तेरे लिए। ओए आजा आजा आजा, मत कर भाई, मजा ही नहीं आ रहा मेरे को तो, वह सूट नहीं कर रहा तेरे पे। सूट नहीं कर रहा क्या बेटे, ज्यादा कॉमेडी मत कर, जल्दी गाड़ी में बैठ, चल जल्दी बैठ, लेट्स गो। अरे इस गाड़ी का तो गेट भी छूटा पड़ा, आना यार। अरे यार इस खच्चर में नहीं यार। हाँ उस पिंकी पो में जाएंगे, चल जिग्गू तेरे लिए एक सरप्राइज है, इधर आजा। ये मैं गाड़ी नहीं आई, इस गाड़ी में जाएंगे हम, देख रहे हैं। ये तो पोर्स है, तेरे बाप दादा ने चलाई है कभी ये गाड़ी, देख कैसी बातें करता है तू भाई। जिमी बाप दादा ने देखे की बात कर रहा है, बाप दादा को छोड़ मैंने चला के भी रख दिया, भगा के भी रख दिया, अपनी गाड़ी है बैठ गाड़ी में। डोर बंद कर, लग भूल गया कोई जिमी, और तू गाड़ी में बैठ गया, मत कर भाई ऐसा मजाक मत। मजाक थोड़ी कर रहा भाई, बैठ। मुझे तो अभी भी नहीं लग रहा यार जिमी, मजाक मत कर मेरे साथ। अरे तू अभी भी मजाक मान रहा है, तू बैठ गाड़ी में बैठ, पहले गाड़ी में बैठ। जिग्गू ये सरप्राइज तेरे लिए है मेरे दोस्त, ये गाड़ी मुझे दुबई गैंग वालों ने गिफ्ट करी है। तुझे पता जब हमें दुबई में गए थे, हमें पकड़ लिया था और उन्होंने टॉर्चर करा, उनको लगा कि हमने उनकी वो रेंज रोवर चुराई है, तो उस चक्कर में उनको लगा कि उन्होंने गलत करा है, तो उन्होंने गिफ्ट में मुझे ये पोर्स दिए मेरे भाई। सच्ची? हाँ। मैं नहीं मानता। मानता क्यों नहीं, जब मैं कह रहा हूँ। चल फिर चलते हैं, कैसी लग रही है? एक नंबर लग रही है भाई गाड़ी तो यार। तो भाई गाड़ी तो है ही, तो देख सकते हो गाइस कैसे मैंने जिग्गू को भाई एकदम से जिग्गू को रोंगटे खड़े कर दिए मैंने ये गाड़ी दिखा के। भाई गाड़ी है इतनी प्यारी, ये देखो भाई बहुत तगड़ी गाड़ी है। अब जिग्गू मांगेगा भी नहीं इस गाड़ी को, क्योंकि उसे भी पता है इससे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। पर मैं दे दूंगा, ऐसा भी नहीं हूँ। और आपको मैं बता दूं, मैं इसे नॉर्मल मोड पे चला रहा हूं। जिग्गू एक काम कर, पीछे की साइड देखियो, ठीक है? ये देख मैं इसको यहाँ खड़ी करता हूँ, आगे देखते हैं पीछे से गाड़ी आ जाती है। भाई सो ब्यूटी कैसे उछली एकदम से मैंने पैडल दबा दिया। तो भाई जिग्गू जैसे मैं इसे स्पोर्ट्स मोड पे डालूंगा ना, इसका पीछे का ना स्पॉइलर खुल जाएगा। गाइस जैसे मैं अपनी नई पोर्स को स्पोर्ट्स मोड पे डालूंगा, इसका स्पॉइलर खुल जाएगा। ये देखो, ये तो बहुत बढ़िया लग रही है जिमी, क्या बात है। मैं नहीं तगड़ी, और हटा दूंगा तो ये देखो नीचे हो जाता। भाई बहुत तगड़ी गाड़ी है गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं। तो फ्रेंक अंकल के फिलहाल घर पे है नहीं, मैं उनके घर पे जाऊंगा भाई थोड़ी देर में, लेकिन मैंने सोचा पहले ड्राइवर अंकल जी को इन्विटेशन दे दूं, साथ ही साथ उनको बता दूं कि कैसे क्या क्या स्टील है, उनको सब कुछ ड्रिंक्स वगैरह का संभालना है। और मेरे को पिताश्री ने जो डेट बोली है गाइस, वो 10 तारीख की बोली है, नहीं सॉरी 9 तारीख की पार्टी है गाइस, है ना। 10 तारीख को आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी दिवाली वाले दिन, तो आप भी खुश हम भी खुश। तो 9 तारीख का है गाइस हमारा दिवाली प्रोग्राम, जिसे देख के आप भी बोलोगे ओ बेटे क्या चीज है। इसलिए गाइस सारी ना अरेंजमेंट मुझे और पिताश्री को ही करनी पड़ेगी, माता जी तो अपना मेकअप करके बैठ जाएगी, ये सीन है। तो चलते हैं ड्राइवर अंकल जी के पास। ओ ये तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, फाइनली हम ना सैंडी सोर्स पहुंच चुके हैं, और मैंने गाड़ी यहां पार्क कर दी क्योंकि ड्राइवर अंकल जी को पता चला मेरे पास फोर्स है, वो मेरे से मांगेंगे। और आपको पता है जब मैं उनको नई BMW दिखाई थी, उन्होंने क्या हालात करी थी भगा के। मैं नहीं चाहता ड्राइवर अंकल जी इसका इंजन खोल के, आजा जिग्गू लेट्स गो ऐसे चलते आजा। तो इसलिए गाइस मैं उन्हें बोलूंगा मैं बस में आया हूं, लेट्स गो। ड्राइवर अंकल जी कैसे हैं? हां जिमड़ी, जिमड़ी नहीं जिमी नाम है मेरा, जिमड़ी क्या होता है अंकल जी, ऐसे कॉमेडी मत करा करो मेरे साथ। और मैं यहां पे बताऊं क्यों आया हूं, पिताश्री ने बोला है 9 तारीख को हमारे वहाँ है पार्टी, दिवाली पार्टी, तो आपको टाइम पे आ जाना, अगर आप नहीं आए तो आपके भेल पे डंडे मारे जाएंगे। अरे मजाक कर रहा हूँ, तो पिताश्री ने ये बोला जितना भी ड्रिंक वगैरह का सारी चीजें अरेंजमेंट आपको करनी है। ओ बेटे एक सेकंड अंकल जी, ओ अंकल जी जिग्गू को उड़ा दिया उस ट्रक वाले ने। कोई दिक्कत नहीं है, ट्रक खत्म हो जाएगा जिमी। ट्रक खत्म है, ये क्या कह रहे हो? वो छोड़ तू आगे बोले यार। आगे तो यही बोलना जितना भी ड्रिंक का अरेंजमेंट है ना वो आप लोगों को करना है, ठीक है? ड्रिंक का आपको करना, डीजे का वो फ्रेंकलिन अंकल जी करेंगे, तो बस यही बोलने आया था। और आपको रोन अंकल भी, मैं रोन अंकल को भी इनविटेशन दे दूं, क्या अलग अलग रंग रंगड़े कह रहा हूँ। रोन अंकल जी आपको आना है हमारे घर पे, 9 तारीख को है दिवाली पार्टी, सह परिवार, ठीक है? परिवार अपनी आंटी मम्मी लुगाई अगर है तो, बच्चे अगर है तो लेके आ जाना, ओके? आपको तो कुछ है ही नहीं, आप अकेले आ जाना, ठीक है ड्राइवर अंकल जी? मजाक करता हूँ मेरे साथ गंदे आदमी। अरे मजाक नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ आ जाना। और अरेंजमेंट ना 8 तारीख को सारा सामान वहाँ पहुँच जाए, क्योंकि किसी भी चीज में डिले नहीं चाहिए। पिताश्री ने ये कहा घर पे पार्टी नहीं होगी, मेंशन में पार्टी होगी, ये सीन है। तो प्रॉपर अरेंजमेंट सारा आपको फ्रेंकलिन अंकल जी को ही संभालना है। तो
और गंजे का भी कुछ टोपी पहन के आ जाना, ऐसे बाल अच्छे नहीं लग रहे आपके। तो लेट्स गो गाइस। तू किस में आया ये बता जिमी। मैं बस में आया हूँ, डीटी ही चलती है ना। चल फिर छोड़ा हूँ मैं तुझे बस स्टैंड तक, क्यों दिक्कत ले रहा है, रोन गाड़ी काटिए रे। अरे नहीं मैं चले जाऊंगा, ठीक है। तो लेट्स गो गाइस, सेवर अंकल जी को तो हमने इनविटेशन दे दिया है, फरार हो जाते ही यहाँ। देखा सेवर अंकल जी का खुद काट दिया हमने गाइस। भाई वो सही में यार बहुत गंदी गाड़ी चलाते हैं, फिर इसीलिए भाई मैंने ये सोचा कि ये एक आइडिया सही है हमारा दोस्तों। अब देखो ड्राइवर अंकल जी को हमने इनवाइट कर दिया, अब है हमारे कलवे बोले तो फ्रेंड अंकल जी को इनविटेशन देने का टाइम। उनको भी इनविटेशन देते और कहता हूँ कि हाँ भाई अंकल, फ्रेंड अंकल जी यार पता नहीं फोन नहीं उठा रहे थे, मेरे ख्याल से बाहर थे इसीलिए, पर अब मैं उनके घर पे ही धप्पा मारने वाला हूँ भाई, जो भी होगा आपको पता चल जाएगा। जिमड़ी आने तो दे मुझे, रुक जा। तू जिमड़ी मत बोल, तू जिमी बोलेगा मुझे, ठीक है। फालतू हरकतें मत करा कर, देख सकते हो गाइस ड्राइवर अंकल जी मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं, जिमी की जगह जिमड़ी जिमड़ी कहते रहते हैं मुझे। और मैं सोच रहा हूँ यहाँ से हॉट डॉग खाते चलते हैं ना, यहाँ पे बहुत भीड़ लगी रहती है। तो लेट्स गो गाइस। गरम कुत्ता बोले तो हॉट डॉग्स खाने के लिए हम आ चुके, चीहुआ हुआ हूं मैं। देखो इसका नाम ही है, ये मैं मजाक नहीं कर रहा, चीहुआ हुआ हॉट डॉग। लेट्स गो, खाएगा खाएगा। देखा कभी मना भी कर दिया अगर गंदे आदमी तो कर तो भाई ताऊ। एक हॉट डॉग लगा दिए और तो फाइनली दोस्तों फ्रेंकलिन अंकल जी के घर पे हम आ चुके हैं। फ्रेंकलिन अंकल जी कह रहे हैं वो घर पे ही नहीं है फोन उठा के, पर मैं समझ गया वो घर पे हूँ क्योंकि पीछे से मुझे आवाज आ गई गाइस चोप के भोंकने की, और वो हमसे झूठ क्यों बोल रहे हैं मुझे ये चीज समझ नहीं आई भाई। इसीलिए मैं और जिग्गू जब तो हमने फोन पे कह दिया ठीक है अंकल जी हम फिर बाद में बताते हैं क्या काम है, पर मैं आ गया हूँ छापा मारने के लिए। लेट्स गो जिग्गू और मैं जाने वाले हैं गाइस अंदर देखने के लिए क्या सीन है क्या नहीं, पर मुझे ना पूरा देखना पड़ेगा यहाँ से, कोई हमें देख तो नहीं रहे। धीरे धीरे देख क्या सीन है भाई पूरा का पूरा। आजा जिग्गू आजा। तो नहीं है फ्रेंकलिन अंकल जी का, ये गेट तो खुला है गाइस आप देख सकते हो, ठीक है। ओ अब देखते हैं ये वाला सब एरिया बंद। फ्रेंकलिन अंकल जी हमारे आगे तेजी नहीं दिखा सकते आप, ओके। तो भाई नहीं होंगे अंकल जी यहाँ, नहीं है तो मैं एक बार छुप जाता भाई। ओ वो रे फ्रेंकलिन, ओ ये क्या हमारे कलुए अंकल कलमोही के साथ बैठे हैं भाई, इतना बड़ा सोफा है और फिर भी यूं बैठे हैं। जिग्गू बाद में आते हैं जिमी। हाँ बाद में नहीं आते बेटे, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। एक काम करता हूँ मैं इनकी फोटो खींचना चाहता हूँ, यहाँ से खींचूंगा तो ये मुझे देख लेंगे। जिग्गू जल्दी जल्दी मेरे साथ आ, एक मिनट गाइस मेरे पास। ये गेट बंद कर रखा अंदर से, ऊपर कितनी तेजी हमारे आगे तेजी दिखा रहे हैं भाई फ्रेंकलिन अंकल जी। उन्हें ये नहीं पता मैं जिमी डिसेंटो माइकल डिसेंटो का बेटा। पकड़े गए भाई फ्रेंकलिन अंकल जी पकड़े गए। मैं उन्हें फोन पे ना उन्हीं की फोटो भेज दूंगा, पर बोलूंगा चुपचाप आ जाओ हम कुछ बोलेंगे नहीं। अब देखो गाइस अब आएगा असली मजा। देखो अब मैं चाहता नहीं ना फ्रेंकलिन अंकल जी का भाग। ओके फोटो तो मैं यहाँ से भी खींच सकता हूँ गाइस, देखो दोनों टीवी देखने में व्यस्त है। ये रहा मेरा फोन, ओके तो ये देख सकते हो गाइस फ्रेंकलिन अंकल जी कल मोही के साथ टीवी देख रहे हो और ये मैंने फोटो खींच ली। लेट्स गो, अब आएगा असली मजा। और ये मैं फोटो गाइस फटाफट फ्रेंकलिन अंकल जी के व्हाट्सएप पे भेजता हूँ, ठीक है। और तीन की गिनती के साथ, मजाक नहीं कर रहा, तीन की गिनती के साथ वो इसी कच्चे में भगे भगे बाहर आएंगे। लेट्स गो। तो दोस्तों मैंने ना व्हाट्सएप पे फोटो भेज दिया फ्रेंकलिन अंकल जी को, वो तीन की गिनती के साथ आ जाएंगे, ये तो पहले ही आ गए। तू पागल वागल है क्या जिमी? पागल वागल मैं क्या हूँ, झूठ बोलो। तुम्हें कौवा काटे अंकल जी, कौवा वो भी लंबी चोंच वाला, ठीक है। तो किसी को बताइयो मत ये बात, तेरे मेरे और ये जिग्गू के बीच। नहीं बताऊं क्या नहीं बताऊं कि आप कल मुही के साथ इतने बड़े सोफे में टिपक के बैठे रहे ये? मत कर भाई ऐसा मत कर जिमी, ऐसा मत कर, ये सब छोड़ो भाई। जिस काम के लिए आया हूँ ना मैं वो सुन लो मेरी बात, लोगों को पार्टी है वैसे कल मुही को भी ले आना साथ में, ठीक है। हमारे घर पे, घर पे तो नहीं मतलब मेंशन पे दिवाली पार्टी, तो पिताश्री ने आपको काम दिया डीजे का, डीजे का सारा काम आपको संभालना है, तो प्लीज कृपया करके आप काम संभाल लीजिएगा, नहीं तो ये फोटो मेरे को सबको भेजने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। और पैसा मत मांगने लग जाना कि डीजे का मैंने ये करवाया वो करवाया, नहीं तो फोटो भेज दूंगा चुपचाप। और जितना भी हुआ होगा ना वैसे बिल मेरे को भेज देना, पैसा आपको एक नहीं मिलेगा, वो पैसा मैं पिताजी से लेके अपनी जेब में डालूंगा। ओ ये हो जाएगा ना काम, सब कर दूंगा, बस तू फोटो मत भेजियो उस चीज, फोटो नहीं भेजो उस चीज की दिक्कत मत लो। तो ठीक है गाइस होप करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो में मजा आएगा, मजा चाहिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। फाइनली आप देख सकते हो जो पार्टी का काम पिताश्री ने मुझे बोला वो सब मैंने कर दिया है, अब डीजे और ड्रिंक्स का सारा काम हो चुका है, अब सजाने का है वो भी आप ही करोगे फ्रेंकलिन अंकल जी। अब देख लो भाई, नहीं तो फोटो मेरे फोन में ही है। तो ठीक है गाइस मिलते हैं आपसे अगली एक ब्रांड वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, चलना फिर अगली।